फ्रेंड्स, वेलकम टू मिंस रेसिपीज। मैं मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स फ्रूट स्मूदी। ये बहुत ही हेल्दी होता है और हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी भी होता है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो भी आप इसे बना करके सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप इसे बना सकते हैं और अपने ब्रेकफास्ट में इसे आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिया है। और मैं इस स्मूदी को बनाने जा रही हूँ फिलिप्स के इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर में, जिसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग कल के वीडियो में आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगा। तो कल का वीडियो भी देखें और आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेबी बनाना 2 और थोड़े से एप्पल को मैंने यहाँ पे कट करके लिया है। साथ में लिया है यहाँ पे थोड़े से काजू। शुगर, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप यहाँ पे हनी डाल दें, या फिर आप चीनी को बिल्कुल स्किप करते हुए हनी को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हनी डाला। यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1 कप दूध, ये बॉइल्ड है और अभी ये ठंडा है। अब इसे हम बंद करें और इसे आप टाइटली बंद करें। और अब ये जाएगा यहाँ पे। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से ये स्मूदी जो है तैयार हो गया है। इसे खोल लेंगे। तो इसके साथ आपको मैंने बताया कि ये लिड जो है आती है, तो ये लिड लगाने के बाद आप इसे इसी तरह से यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी तो इस तरह से आप मिल्क शेक स्मूदी बना सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इजीली। और ये फिलिप्स के जूसर मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से बन जा रहा है। एक बात आपको यहाँ पे एक फीचर बताऊँ इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि अगर आपने स्मूदी यहाँ बनाया है तो 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रेश रहेगा। एंजॉय करें इस स्मूदी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।